अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। आज हम मौजूद हैं देवली विधानसभा में। देवली विधानसभा जो है आम आदमी पार्टी के अंडर में आता है और यहाँ के विधायक प्रकाश जावल जी हैं। वो आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि इस क्षेत्र में कितना कार्य हुआ है आम आदमी पार्टी के अंडर में और जो प्रकाश जी हैं उनके अंडर में कितने नाली बनाया है, सड़कें बनी हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम सुलेमान है जी। आपके विधायक का नाम? हमारे विधायक का नाम वो है जयरवाल। तो उनके अंडर में काम कितना हुआ है? बहुत बढ़िया काम हुआ। किस तरह काम हुआ? एक साल के लिए रोड बंद कर रखा है उन्होंने, बिल्कुल सब धंधे पे भरा। क्या आपने पहले तो हमें चौंका दिया, काम हुआ है? हम तो दे रहे काम नहीं हुआ, लेकिन आपने दिखाई दे रहा मशीनें खड़ी है मेरी, अब रोड बंद है, दुकानदार अपने खाली पी लिया थे बैठे हुए। अच्छा, यहाँ की दुकान का किराया कितना होगा लगभग? दुकान का किराया है भैया 5,000 से लेके 10,000 रुपए तक है। जब दुकानदारी नहीं होती तो ये दुकानदार किराया कहाँ देते हैं? ब्याज पे ले लेके पैसे दे रहे हैं लोगों को, जब काम ही नहीं चल रहा है एक साल से तो मामला ही खत्म है, जब रोड बंद है तो ये तीनों बता गई आज। और क्या, ब्याज ही पैसे लेने पड़े दुकानदारों को? बिल्कुल परेशान है हर दुकानदार, दुकान बंद करेगा तो रोजी रोटी खत्म है, खत्म ही है रोजी रोटी। तो बिजली भी तो फ्री है? बिजली बिल, बिजली तो फ्री चल रही है पर बच्चों का भी तो उससे भरेगा जी, बच्चों का जो पेट भरेगा बिजली से थोड़े भरेगा, रोटी से भरेगा। ये रक्षा वाले जो चलते हैं भूखे मर रहे हैं, काम है ही नहीं यहाँ पे। दोस्तों आज आप यहाँ का हालात देखते होंगे किस तरह से हालात है, ये रोड बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है, बंद कर रखा है। ये रोड टिगड़ी के नाम से जाना जाता है, जिस तरह आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मलबा भरा पड़ा है और रोड ये बिल्कुल ब्लॉक कर रखा गया है। करीब करीब 5-6 महीने लोग यहाँ बता रहे हैं, कोई 2 महीना बता रहा है, कोई साल भर से बता रहा है, लेकिन क्या असलियत है, क्या सच्चाई है? आइए यहाँ के स्थानीय लोग से बात करते हैं, जो यहाँ के दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं कि ये माहौल ये जो हुआ है ये कब से हुआ है। आइए कुछ हमारे राइट साइड कुछ दुकानदार है जो हमें देख रहे हैं, आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। आपका नाम? दीपिका गुप्ता। दीपिका जी आप क्या करती हैं? आप कुछ नहीं, हमारी शॉप है मोबाइल की। मोबाइल की? हाँ जी। दुकानदारी हो जाती है? नहीं होती, ये देखो रोड देखो हमारे यहाँ का कैसा हुआ पड़ा है, जब रोड बंद है गाड़ियाँ ना आ रही है ना जा रही है, कस्टमर कैसे आएंगे? तो ये हालात कब से हैं? हो गए इसे 2-3 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए। हाँ, ना कोई दुकानदारी है ना कुछ है भैया। सबसे ज्यादा बच्चों की परेशानी है ना, बच्चे नाले में गिर रहे हैं, कीचड़ में गिर रहे हैं, हमें परेशान और हमें पता भी नहीं चलता बच्चे कहाँ गिर रहे हैं, कहाँ फिसल रहे हैं, हम तो घरों में बैठे हैं, घर से यहाँ से निकलने तक की भी जगह। आगे तो और भी हालात बुरे हैं। हाँ, मेरा तो घर चल रहा है, यहाँ तो काम भी नहीं चल रहा, आप ये भी देखिए, अभी तो काम स्टार्ट ही नहीं हुआ यहाँ पर। हमारे तो बिल्कुल घर के आगे, आप भैया पूरा हमारे घर के आगे ही है सारा, कोई काम दम जगह जगह खोदे जा रहे हो, एक काम हो रहा है दूसरा काम छोड़ रहे हो, तो ये क्या फायदा? पूरा पहले एक काम को प्रॉपर पढ़ो तरीके से करो ना, फिर कि दूसरा काम भी खोदोगे, मतलब ये ऐसा थोड़ा होता है यार। आप देख लीजिए पूरी गलियों में जाके, हर गली के कोने में जाके देख लीजिए, तिगड़ी से बाहर निकलने की रास्ता कहीं से नहीं है, और खोदने के बाद मेंटेन तो करना ही नहीं है सरकार को। अभी चुनाव आ रहा है वो भी वैसे ही पड़ा रहेगा, खाली मुद्दा उठाना चाहिए कि हमारा काम नहीं है, ये आपका काम है, ये इनका काम है, ये हमारा काम। समस्या बहुत है लेकिन समाधान नहीं है, कि मानते हैं कि आप काम कर रहे हैं लेकिन काम इस तरह से कर रहे हैं कि ताकि यहाँ जो निवासी स्थानीय लोग हैं, दुकानदार हैं, जो यहाँ रहते हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो, आने जाने में दिक्कतें ना हो। जब ये रोड जब बारिश होता है ना तो ये पूरा रोड एकदम भर जाता है, फिर तो दिखता ही नहीं है कि नाला कौन है और रोड कौन सा है। तो इसको अभी रिसेंटली अभी डेंगू हो गया था, 4-5 दिन एडमिट भी रहा था मेरा लड़का। मोहल्ला क्लिनिक? नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ क्लिनिक, पार्क तो है नहीं यहाँ पर, तो क्लिनिक बड़ी दूर की बात है। केजरीवाल जी ने कहा कि हमने हर विधानसभा में एक मोहल्ला, नहीं हमारे यहाँ कोई पार्क नहीं है, हमारे बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है खेलने के लिए, रोड पे हम रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं कि हमारे बच्चे कभी खेल लें कूद लें, डर लगा रहता है। हमारे विधायक जी भी बत्रा हॉस्पिटल में जाते हैं दवाई लेने, वो भी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं आते, देखा ही नहीं है उन्होंने तो मोहल्ला क्लिनिक, पहले यहाँ रहते थे, अब तो जीके वीके में रह रहे हैं, अब तो यहाँ रह भी नहीं रहे आसपास। क्यों भाई रह रहे, यहाँ कौन रहेगा, हमारे लिए छोड़ रखा है ना रहने के लिए, यहाँ ये कभी साफ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, यहाँ होता क्या है? समस्या को ले गए विधायक जी के पास? विधायक जी के पास एक काम से गए थे, 3 घंटे बैठे और फिर हम वापसी आ गए, विधायक जी ने बात भी नहीं करी थी। आप कह रहे थे ना अभी बिजली का बिल फ्री है, पानी फ्री है, एक बात बताओ बच्चों के लिए कमा रहे हैं, बच्चे इसमें गिर जाएंगे कुछ हो जाएगा, फ्री का करेंगे क्या, अचार डालेंगे क्या, क्या करेंगे बताओ, फ्री का बिजली का बिल कितना आ जाएगा, 1,000, 2,000, 3,000? 3 महीने फ्री है, कितना? अरे फ्री कितना हो जाएगा, यूनिट पार हो जाएगा, कितना आ जाएगा फ्री है बताओ ना, फ्री है मैं कह रहा हूँ, चलो फ्री है मैं मान गया, क्या करूंगा फ्री का, मेरा बच्चा इसमें गिर जाए कुछ हो जाए,
क्या करूंगा फ्री का? मेरे माँ बाप कोई गिर जाए, कीचड़ में आ जाए, क्या करेंगे फ्री का? अगर यहाँ इमरजेंसी पड़ जाए ना तो आप यहाँ से निकल नहीं सकते हो, ऐसा तीनों में से एक रास्ता खुला नहीं है जहाँ से आप निकल जाओ। तीनों जैसे कि जगह का नाम है मंगल बाजार वाला रोड, ठीक है, तिगड़ी वाला रोड और देवली वाला रोड, इस तीनों रोड ऐसे पैक पड़े हैं, आप कहीं से निकल नहीं सकते इमरजेंसी में, ठीक है। पैदल चलने वाले तक परेशान है, बाइक वाले तो बहुत दूर की बात है। ये देखो ना, छह महीने हो रहे हैं, हालत देखो इनके घर के आगे की, क्या हो रहा है यहाँ, सारे काम धंधे सब तो काफी चीज फ्री है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है केजरीवाल की चीज से? भाई फ्री पैसे ले ले भाई, हम बना कर हम कमा नहीं रहे क्या? हम निकल लेंगे फ्री। आप ये बताइए फ्री है कितने दिन? मार्च तक फ्री है, जब जब सर्दी है उसके बाद। केजरीवाल जी कहना ये है कि अगर मेरी सरकार दोबारा आती है तो अगले 5 साल तक फ्री है। सर जी 200 यूनिट होती कितनी है? पंखा भी चलेगा 200 यूनिट पार हो जाएगा, पूरा बिल लगेगा उसका जो भी लगेगा। जी हाँ, कितना फ्री लगेगा? एक पंखा एक लाइट भी चलाएगा कोई बंदा, कूलर तो छोड़ दो आप, तो 200 यूनिट तो एक महीने में वैसे ही पार हो जाएगी। जहाँ 201 यूनिट हुई पूरा बिल लगेगा जो लगता है आम बंदे को, जो भी लगकर आ रहा है। क्या फ्री हो गया? बसों में कौन जा रहा फ्री? इतनी मारामारी हो रही है बसों में, बुरी हालत हो रही है, किसको फ्री चाहिए यात्रा? कोई नहीं जा रहा फ्री। फ्री पैसे ले लो लेकिन सुविधाएं मिलनी चाहिए आदमी को। फ्री क्या बेकार हो, फ्री कहाँ से आ रहा पैसा? उनके पास बन रहा है क्या? कहाँ से आ रहा? पब्लिक से निकालना वो पैसा। सुविधाएं किस तरह की सुविधाएं आप लेना चाहते हैं? रोड की, पानी की, बिजली की, सबकी सुविधाएं चाहिए। देखो ना अब क्या हो रहा है, 6 महीने हो गए काम धंधे कुछ भी नहीं है, पूरा रोड हालत खराब हुई पड़ी है। 6 महीने काम कैसे करते? बीजेपी काम नहीं करने दे रही थी ना उनको? किसको? बीजेपी काम करने दे रही है जी? 6 मतलब 4.5 साल काम नहीं करने दिया बीजेपी ने, आप काम करने दे रही है बीजेपी, ये क्या मतलब हुआ? काम अभी तो हो रहा है 6 महीने से, जब से क्या हो रहा था 4.5 साल से काम नहीं करने दे रही थी। जब काम नहीं करने दे रही थी, अब उनको छुट्टा खोल दिया, भाई अब काम करो तुम। तो आपके हिसाब से दिल्ली में सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार तो बीजेपी की होनी चाहिए दिल्ली में, जो सेंटर की जो सरकार है उसका बेनिफिट भी राज्य सरकार में सबसे ज्यादा बेनिफिट उसी का होगा जो सेंटर की सरकार है। नहीं कोई बेनिफिट नहीं, ये कि 4 साल ही फिल निकाल देंगे, बोधी काम नहीं करने दे रहा, एलजी काम नहीं करने दे रहा, फिर वही प्रोसेस चालू हो जाएगा, फिर 1 साल बाद फिर काम चालू हो जाएंगे, यही होगा। अगर ये काम 4 साल पहले होते तो ये सुविधाएं सारी कोई दिक्कत ही नहीं होती, सारे काम हो चुके होते, लेकिन ये 6 महीने से काम स्टार्ट हुए। इससे पहले काम स्टार्ट नहीं था? कुछ भी नहीं था पहले तो, काम करने कौन दे रहा था पहले तो? एलजी मोदी एलजी कोई काम ही नहीं करने दे रहा था इनको। चलिए देखा आपने कि मिला के ये है या जारवाल नहीं आना चाहिए बस? नहीं नहीं देखिए ये बोलते बोलते गए हैं कि जारवाल जी नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो समस्या बहुत है और पूरा ये इलाका जो है ब्लॉक है, बंद है, दुकानदारी बिल्कुल ठप है, बहुत समस्या है। हमने यहाँ पे जमीन स्तर उतर के हमने यहाँ पे देखा कि विकास कहाँ है, विकास तो हमें नहीं दिखा, हमने ढूंढा उन्हें तलाशा, विकास हमें कहीं नहीं मिला। हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात किया, उन्होंने यही कहा कि ठीक है आप काम करते हैं तो करिए, लेकिन कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे भी और विधानसभा में जाते रहेंगे, आते रहेंगे और आपको अपनी न्यूज दिखाते रहेंगे। आप देख रहे थे ओमकार 24/7, मैं चैनल हम कैमरामैन आजाद के साथ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।